अंकुर और अद्भुत दस्ताना। रस्सा ले चलता हूँ दोस्तों के साथ, आज रस्सा कशी का मुकाबला होना है। बचाओ 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 मुझे, बचाओ 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 बचाओ। चलते चलते पैर फिसल गया और यहाँ अटक गया, ज्यादा देर से थामे नहीं रह सकता। बाबा जी, मैं रस्सा लटका रहा हूँ, आप इसके सहारे ऊपर आ सकते हैं। रस्से का दूसरा सिरा मजबूती से इस पेड़ के साथ बांध देना चाहिए। इस रस्से का काफी सहारा हो गया है, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मेरी तरफ से यह दस्ताना कबूल करो। दस्ताना? दो होते तो कुछ बात बनती, एक दस्ताने का मैं क्या करूँगा? बुड्ढे ने मुझे टरका दिया है, इसे फेंक देना ही मुनासिब है। हैं? इसने टेलीफोन का खंबा ही तोड़ दिया। यह दस्ताना मामूली नहीं लगता, करामाती चीज है। इसे एक हाथ में ही पहन लेता हूँ। बचाओ बचाओ। जब तुझे ढोंगों से कोई नहीं बचा सकता। ये डाकू मुझे उठाकर जबरदस्ती ले जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। छोकरे, तेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तेरा सर धड़ से अलग करने जा रहा हूँ। मेरी तलवार, मेरी पिस्तौल देखकर अपना दस्ताना उतार रहा है डरपोक। बाप रे भूत, सचमुच तुम्हारा दस्ताना बड़े काम का है। ओ, ओ, मैं दस्ताना कुएं में जा गिरा। कोई बात नहीं, मैं दूसरे दोस्तों के साथ रस्सा कशी का खेल खेलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अंकुर की कार। अरे अंकुर, ये क्या कर रहा है? घोटालू, मैंने एक ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि भाप से चलेगी। कार और भाप से चले? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों, जब रेलगाड़ी का इंजन भाप से चल सकता है तो कार क्यों नहीं चल सकती? आज अगर देश को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो ऐसी वस्तु की जो पेट्रोल की जगह ले सके और करोड़ों की विदेशी मुद्रा बचाए। मैं इसे अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ओह, एक्सीलरेटर जरा ज्यादा दब गया था। हंस लो, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लोग पहले पहल उन पर ऐसे ही हंसे थे। हैं? यह क्या? टायरों में ज्यादा हवा भर रहा हूँ ताकि यह कार राजधानी एक्सप्रेस की तरह सुपर फास्ट दौड़े। लो, हो गई स्टार्ट। ठहरो अंकुर, मुझे भी साथ ले चलो। आ जाओ डबरू। लो चलिए मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। वाह! अरे अंकुर, कार रोको, आगे सड़क पर ड्रम रखे हैं। ओह, मैं कार में ब्रेकें लगानी तो भूल ही गया। अंकुर, अब ये तुम्हारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस कैसे रुकेगी? मुझे नहीं पता डबरू, मुझे नहीं पता। मर गए, बाप रे। अंकुर, तुम्हारी सुपर फास्ट समुद्र में गिरी और डूबी नहीं, क्योंकि इसके टायरों में ज्यादा हवा भरी है। हवा पानी से हल्की होती है और उसके ऊपर रहती है। ये गया मेरा काटा, देखूं आज मछली फंसती है या नहीं। अरे ये क्या अटक गया,
मेरे कांटे में। चलो इसे ही बाहर खींचो। एंकर, तुम्हारे नए आविष्कार के लिए तुम्हें यह ट्रॉफी भेंट की जाती है। लेकिन हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो फेल हो गई। सिर्फ सड़क पर पानी में वह तैरती रही। वह पहली कार थी जो समुद्र में गिरी और डूबी नहीं।